नमस्ते, मैं किरण। मंगलवार को जो पाकिस्तान के बालाकोट में दो पटाखा छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में हवा बना रहा था, उसकी कीमत हिंदुस्तान को क्या चुकानी पड़ी ये आप लोग जानते हैं? पाकिस्तान ने दिन दहाड़े हिंदुस्तान में घुस करके 6 जगह बम ब्लास्ट किए, जिसमें 2 पोस्ट को उड़ा दिया, 2 फाइटर प्लेन को उड़ा दिया, जिसमें 3 पायलट को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ पायलट हमारे शहीद भी हो गए। जब पाकिस्तान हमारे पायलट को पकड़ करके पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहा था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे चला रहा था, तब हिंदुस्तान की मीडिया उसको फर्जी बता रही थी। फर्जी ही नहीं बता रही थी, हिंदुस्तान के सैनिक को भी अपना मानने से मना कर रही थी। ये सब इसलिए, एक आदमी को चुनाव जिताने के लिए। आप जानते हैं, आज अगर पुलवामा हमले की जांच होती है तो अजीत डोभाल जेल में होगा और साथ में प्रधानमंत्री भी जेल में होगा। ये सब देश को गुमराह किया जा रहा है, युद्ध में झोंका जा रहा है देश में, अपने 5 साल के निकम्मेपन को छुपाने के लिए, जो देश को लूटा है ये सबसे नजर हटाने के लिए देश को युद्ध में झोंक रहा है। आज अगर युद्ध होती है तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों फौजी मारे जाएंगे, पाकिस्तान के लाखों फौजी मारे जाएंगे, और बाद में मसला कहां हल होगा? बातचीत से। आप जानते हैं कि हर बात का मसला बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, गोली बंदूक से नहीं।